जौलपुर के पनागर में समिति प्रबंधक की लापरवाही के चलते किसानों की मेहनत पर पानी फिरता जा रहा है। बेमौसम बारिश के बाद ग्राम मुड़िया में किसान अपनी उपज को बर्बाद होते देख रहे हैं। यहां पर वेयर हाउस में धान तुलाई के लिए रखी गई थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते कई टन धान पानी में सड़ने के लिए प्रबंधक छोड़ गए हैं। केंद्र प्रभारी, प्रबंधक और सभी जवाबदेह लापता है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन जवाबदारों ने किसानों की धान भगवान भरोसे छोड़ दी। जबलपुर के पनागर के मुड़िया ग्राम में जो कि स्वर्णा बियर हाउस है, यहाँ पे जहाँ पे धान खरीदी का काम लगातार जारी रहा। और आप देख सकते हैं कि धान की जो बर्बादी है और जो पानी गिरने के कारण जो उसको हानि हुई, आप उसको देख सकते हैं। कई क्विंटल धान है जो किसानों की वह बर्बाद हो चुकी है, खराब हो चुकी है पानी के कारण। देख सकते हैं इनकी लापरवाही का नतीजा, बियर हाउस वालों की और प्रबंधक और प्रभारी की। कि आप यहाँ से वहाँ तक आप देखिए, पानी से लबालब भरा हुआ है और धान उसमें बीच में रखी हुई है। कई हजार क्विंटल धान है ये जो कि खराब हो गई पानी में। अब इसका जवाबदार कौन होगा, ये सोचने का विषय है। प्रशासन मौन है और जिस तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई किसी तरह का इंतजाम नहीं है कि पानी गिरेगा तो हम यानी इसको कहाँ पे रखेंगे या तिरपाल कहाँ लगाएंगे या पन्नी कहाँ ढाकेंगे, तो कोई इंतजाम नहीं है पन्नी वगैरह का। और लगातार पानी गिरा है जबलपुर में, बारिश हुई है रात भर और उसका नतीजा ये है कि पूरी धान आज खराब हो गई है किसानों की। और सोचने वाला विषय ये है कि प्रशासन एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रहा है कि भोपाल की टीम आई है और किसानों के लिए अलग से एक रेट तय करे गए हैं और नए सेंटर खोले गए हैं, पर सबको तब बताते हुए प्रशासन की योजनाओं को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धान की दशा है आज, किसानों की दशा है जो इनका बेचारे किसानों की जो धान खराब हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ये सोचने का विषय है। और अगर हम यहाँ आते हैं, जब आए हैं तब भी यहाँ प्रभारी जो रवि पटेल हैं वो यहाँ कभी नदारद रहते हैं और यहाँ के जो प्रबंधक हैं कपिल मिश्रा वह भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। और अभी हमने जब बात करना चाहिए तो उन्हें स्विच ऑफ कर लिया रवि पटेल जी ने, जो यहाँ के प्रभारी कहते हैं। और इनने आप देख सकते हैं कि धान जो है जरूरत से ज़्यादा यहाँ इतनी इसकी क्षमता नहीं है इस बियर हाउस की, इतनी इन्होंने धान खरीदी यहाँ कर ली है। और उसके बाद अगर इतने खरीद भी ली थी तो इसको सुरक्षा के हेतु, जब हमको मालूम रहा मौसम खराब है तो इसको कहीं सुरक्षित जगह पहुंचा देते या डीएमओ से तिरपाल वगैरह मंगके या पन्नी मंगके इसको सुरक्षा करते, पर बिल्कुल लापरवाही से ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा यह है कि आज बेचारे जो किसान जो अन्नदाता हैं, जो हम लोगों को अनाज पैदा करके हमारे पालन पोषण करते हैं उसके द्वारा, और उनकी धान की आप दशा देख सकते हैं किस तरीके से खराब हो गई है। और कोई जिम्मेदार यहाँ पे व्यक्ति यहाँ पे है नहीं जो हमें सवालों का जवाब दे पाए कि भाई इसका क्यों ये धान खराब हुई, क्यों इसकी सुरक्षा नहीं करी गई या तिरपाल क्यों नहीं ढाका गया, कोई भी यहाँ पे है नहीं मौजूद। जो यहाँ प्रभारी हैं रवि पटेल वो यहाँ नदारद हैं, जो मिलते ही नहीं हैं, अभी फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ कर लेते हैं। और प्रबंधक यहाँ पे हैं कपिल मिश्रा बताए जा रहे हैं, और एक ऑपरेटर है जरूर हैं, गुप्ता हैं, गुप्ता जी करके आइए बात करते हैं उनसे। गुप्ता जी आइए एक मिनट, गुप्ता जी ये कौन सा बियर हाउस है? ये स्वर्णा बियर हाउस है मुड़िया। हाँ तो आप जी बताएं, जैसे कि ये बियर हाउस स्वर्णा जी, तो आप लोगों ने जो आपके प्रभारी कौन है? ये प्रभारी रविशंकर पटेल जी हैं। तो क्या बात है कि उनका जब फोन लगा तो फोन घंटी जाती बंद कर ली, तो किसी कारण व्यस्त हो सकते सोसाइटी का कार्य। चलो एक दिन बाद मानना, तीन बार आपके यहाँ बियर हाउस आए, तीनों बार आपके प्रभारी यहाँ पे ना प्रबंधक मौजूद रहे? नहीं आते हैं, उनने भी व्यवस्था बनवाई है सुबह आज आकर ही। हमने प्रभारी जी बताए जब इतनी हजारों क्विंटल धान पूरी खराब हो गई, उसके बाद वो काय की व्यवस्था करेंगे? पन्नी हो गई, बर्बाद हो गई, अब क्या है उसमें, इसकी क्यों नहीं करी गई है? जब डीएमओ के आदेश है कलेक्टर के आदेश है कि आपको तिरपाल पन्नी जिस चीज की आवश्यकता हो तो वो देने तैयार है वहाँ से, तो आप लोगों ने पहले व्यवस्था क्यों नहीं करी? इसकी जानकारी वही दे सकते हैं। कौन? प्रभारी जी बता सकते हैं। प्रभारी कौन? रवि पटेल जी, रवि बता सकते हैं। क्या कारण है कि वो आते ही नहीं यहाँ पे? यानी जब आओ तो उनका स्विच ऑफ हो जाता है फोन। कपिल मिश्रा है तो वो प्रबंधक है, वो भी फोन नहीं उठाते हैं, क्या कारण है? क्या लगता है आपको? क्या बताएं इस विषय में, वही जाने काम में व्यस्त रहते हैं इस वजह से। अच्छा, यानी किसान इससे बढ़ के भी काम है उनकी, उनको प्रभारी बनाया, एक जिम्मेदारी का काम दिया गया है और उसके बाद वो नादारा धन। आप यहाँ पे ऑपरेटर हैं, क्या नाम जी? शुभम गुप्ता। क्या है आप? ऑपरेटर हूँ। कौन सा बियर हाउस है? सोना।
कौन कहाँ कहलाता है? मुनमुरिया और तहसील पनागर। तो इसका क्या करेंगे अभी आप? जैसा पानी भरा है पूरे में, यहाँ निकासी की जा रही है पानी के इसी पाइप के द्वारा। ठीक आया कि अब ये पन्नी वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं, जब करना जब तो इन्होंने करा नहीं। और जब हमने इनसे जानना चाहा कि रवि पटेल जो है तो जो यहाँ प्रभारी हैं वह कहाँ हैं, तो इनका भी यही कहना कि आते हैं चले जाते हैं और जो प्रबंधक हैं वह भी आते चले जाते हैं। तो इस तरीके से इनको प्रभारी और प्रबंधक बनाया जाए, जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी का ऐसा काम कर रहे हैं कि आते हैं चले जाते हैं। तो इनके ऊपर मैं चाहूँगा कि प्रशासन एक सख्त कार्रवाई करे, जिससे कि इस तरीके जो प्रभारी और प्रबंधक हैं, जो धान हजारों क्विंटल खराब हो गई उसका दोषी अगर माना जाए तो प्रभारी और प्रबंधक ही हैं। आशीष बात्रे के साथ प्रियंका विश्वकर्मा, जबलपुर। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।